सुनना, खुफिया कहते खुफिया, जानते हो उसका खुफिया खत में क्या लिखा था? उस खत में लिखा था, डियर मिस्टर इमरान खान, हम सब खैरियत से हैं, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे, और ये है कि हम आपके खिलाफ एक आलमी साजिश तैयार कर रहे हैं, और उस आलमी साजिश का सबूत हम खुद आपको फराहम कर रहे हैं, आपको इतला कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ साजिश करने लगे हैं, ताकि सनद रहे, ताकि हमारे खिलाफ वो सबूत आप जहां चाहे इस्तेमाल करें, जलसों में कागज लहरा लहरा के दिखाएं, और वो खत हम आपको ना वजारत खारजा के थ्रू भेज रहे हैं, ना वो खत हम आपको वजारत दाखिला के थ्रू भेज रहे हैं, वो खत हम जादू टोने के जरिए बनी गाला में कबूतरों के जरिए फिकवा रहे हैं आपके पास। देखो, कहता है कि मेरे और मनजानिब आलमी ताकतें, कहता है कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो गई। भाई इमरान खान, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि तुमने कौन से पाकिस्तान में एटमी धमाके कर दिए थे कि तुम्हारे खिलाफ आलमी साजिश होगी? तुमने कौन सा अमेरिका की $5 अरब की इमदाद ठुकरा कर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था जो तुम्हारे खिलाफ साजिश होती? बल्कि तुम तो जिस मुल्क में भी जाते हो कशकोल उठा के निकल जाते हो कि अल्लाह का वास्ता है कोई मुल्क पाकिस्तान की इमदाद कर दे। ये है तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी। अगर आलमी ताकतें या दुश्मन पाकिस्तान की तबाही चाहती, अल्लाह ना करे, तो वो तो तुम्हें रखती, क्योंकि तुम तो खुद पाकिस्तान की तबाही पर दिन रात काम कर रहे हो। तुम्हारे खिलाफ किसी ने साजिश क्यों करनी थी? क्या चीनी, दूध, पत्ती, अंडे, सब्जी, तेल, आटा, डीजल, इन सब की आसमान पर कीमतें पहुंचा देना आलमी साजिश थी? तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारी पूरी पार्टी खिसक गई। क्या वो जो बाइडन ने किया था? बुजदिल आदमी, तुम अपनी हर नाकामी का इल्जाम दूसरों को देते आए हो। तुम में ना इतनी हिम्मत है, ना इतनी जुर्रत है कि तुम कभी भी अपनी गलती कबूल करो। पहले सब कुछ ऑपोजिशन ने किया था, महंगाई पिछली हुकूमतों ने की थी। 4 साल बहुत होते हैं भाइयों मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए, और मुल्क को तनजली के रास्ते पर डालने के लिए एक इमरान खान ही काफी होता है। इमरान खान से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें आलमी ताकतों ने कहा था कि 22 करोड़ के इस मुल्क को तुम जादू टोने से चलाओ। इमरान के दौर में या 22 करोड़ का मुल्क जादू टोने से चलता है, या फरा लाहौर में जो फरा रहती है जिसके ताने बाने बनी गाला के घर से मिलते हैं, इस मुल्क को या जादू टोने से चलाया जाता है या फरा को रिश्वत देकर चलाया जाता है। इस मुल्क में तकरारियां और तबादले या जादू टोने और हिसाब किताब से किए जाते हैं, या बनी गालों और फरा को रिश्वत देकर किए जाते हैं? मैं इसकी तकरीर नहीं सुनती, ये मुझे मरियम औरंगजेब बताती हैं कि आपने इसने ये कहा है तो आपने ये जवाब देना है। तो मैंने इन्होंने मुझे कहा, वो कहते हैं कि मरियम बीबी ने कभी 1 घंटा काम नहीं किया। तो मैं एक बात आज आपको बताना चाहती हूँ
पूरी दुनिया जानती है कि ये 12 बजे से पहले अपना दफ्तर शुरू नहीं करता और 4 बजे दफ्तर समेटकर बनी गाला जाता है और अगले दिन 12 बजे तक इसका कोई अता पता नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस शख्स के ऊपर, चाहे वो जाली ही क्यों ना हो, जिस शख्स के ऊपर 22 करोड़ महंगाई में पिसते हुए आवाम की जिम्मेदारी हो, वो क्या 4 घंटे काम करेगा, बाकी दिन कहाँ गायब रहेगा? क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है? खुदा का खौफ नहीं आता? और चले हो मरियम से मुकाबला करने, मरियम ने तो 2 दफा बेगुनाही में जेल काटी, 1 दफा डियाला जेल, 1 दफा कोटलखपत जेल, सजाए मौत की चक्की में रहकर आई। तुम एक दिन जेल नहीं काट सकते, मेरा चैलेंज है तुम्हें। और फिर आखिरी बात कि ये शख्स, इसको यही कहना चाहिए कि इसको शर्म नहीं आती जब ये मजहब का कार्ड इस्तेमाल करता है अपने सियासी मुखालिफीन के खिलाफ। मुझे बताओ, यहाँ पर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला हर शख्स मुझे ये बताए कि जो शख्स कलमा ना पढ़ सके, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहना आए, जिसको अपने हल्फ के अंदर खातमन नबीयीन ना कहना आए, वो शख्स जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कह सके, वो शख्स जो अपने जलसे में मगरिब के वक्त फजर की अजान दे, मगरिब के वक्त कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, क्या उस शख्स को मजहब का नाम लेने का हक है? इतना बड़ा झूठा तो पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतना बड़ा ड्रामेबाज भी पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतना बड़ा नौसरबाज भी पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतना बड़ा बदतमीज भी पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा बदतहजीब भी पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा, लेकिन इतना बड़ा फितना भी पाकिस्तान ने किसी ने नहीं देखा। की बेटी है ये वही शख्स है जिसने खत्मे नबूवत का कार्ड इस्तेमाल करके मुस्लिम लीग नून के लोगों पर गोलियां चलवाई थी। मुझे बताओ, 22 करोड़ अवाम में सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बातें हजरत उम्र फारूक की करता है और इसकी, और कुरान में देखो लिखा है कि वो शख्स बड़े सख्ती से कुरान में मना फरमाया है कि नाम ले लेकर लोगों को मत बुलाओ, लोगों के नाम मत रखो। ये जलसों में खड़ा होकर पाकिस्तान की नई जनरेशन को बदतहजीबी और बदतमीजी की तरगीब देता है। क्या ऐसे शख्स को इस्लाम का नाम लेने का हक है? उधर से लोगों को इस्लामाबाद की गलियों से, मोहल्लों से लाउड स्पीकर पे ये कहकर इकट्ठा करता रहा कि अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो इमरान के जलसे में आए। जब वो इमरान के जलसे में आए तो पता चला कि वहाँ म्यूजिक बज रहा है और मगरिब के वक्त वहाँ फजर की अजान हो रही है। तो मेरे भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम इस इमरान खान को आखिरी धक्का दे दें। तो बोलो, आप लोग तैयार हो? अब ये जितने भी हाथ पांव मार ले, जितनी भी चीखे मार ले, आप इसको बचाने इंशाल्लाह ताला कोई नहीं आएगा। और एक दफा फिर आखिर में मेरे साथ नारा लगा दो, फैसला तो हो गया, अब इंशाल्लाह ताला ऐलान बाकी है, नारा लगा दो अलविदा 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 अलविदा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताती हूँ, इसने तो नहीं बताया ना, जरा भाइयों गौर से सुनना, बहनों, इसने नहीं बताया खत में क्या है। मैं पढ़ के सुनाती हूँ उस खत में क्या है, ध्यान से सुनना।
बताते खुफिया, जानते हो उसका खुफिया खत में क्या लिखा था? उस खत में लिखा था, डियर मिस्टर इमरान खान, हम सब खैरियत से हैं, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। अर्ज ये है कि हम आपके खिलाफ एक आलमी साजिश तैयार कर रहे हैं और उस आलमी साजिश का सबूत हम खुद आपको फराहम कर रहे हैं, आपको इतला कर रहे हैं कि हम आपके खिलाफ साजिश करने लगे हैं ताकि सनद रहे, ताकि हमारे खिलाफ वो सबूत आप जहां चाहे इस्तेमाल करें, जलसों में कागज लहरा लहरा के दिखाएं। और वो खत हम आपको ना वजारत खारजा के थ्रू भेज रहे हैं, ना वो खत हम आपको वजारत दाखिला के थ्रू भेज रहे हैं, वो खत हम जादू टोने के जरिए बनी गाला में कबूतरों के जरिए फिकवा रहे हैं आपके पास। देखो कहता है कि मेरे और मनजानिब आलमी ताकतें, कहता है कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो गई। भाई इमरान खान, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने कौन से पाकिस्तान में एटमी धमाके कर दिए थे कि तुम्हारे खिलाफ आलमी साजिश होगी? तुमने कौन सा अमेरिका की $5 अरब की इमदाद ठुकरा कर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था जो तुम्हारे खिलाफ साजिश होती? बल्कि तुम तो जिस मुल्क में भी जाते हो कशकोल उठा के निकल जाते हो कि अल्लाह का वास्ता है कोई मुल्क पाकिस्तान की इमदाद कर दे। ये है तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी। अगर आलमी ताकतें या दुश्मन पाकिस्तान की तबाही चाहती, अल्लाह ना करे, तो वो तो तुम्हें रखती, क्योंकि तुम तो खुद पाकिस्तान की तबाही पर दिन रात काम कर रहे हो। तुम्हारे खिलाफ किसी ने साजिश क्यों करनी थी? क्या चीनी, दूध, पत्ती, अंडे, सब्जी, तेल, आटा, डीजल, इन सब की आसमान पर कीमतें पहुंचा देना आलमी साजिश थी? तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारी पूरी पार्टी खिसक गई। क्या वो जो बाइडन ने किया था? बुज़दिल आदमी, तुम अपनी हर नाकामी का इल्जाम दूसरों को देते आए हो। तुम में ना इतनी हिम्मत है, ना इतनी जुर्रत है कि तुम कभी भी अपनी गलती कबूल करो। पहले सब कुछ ऑपोजिशन ने किया था, महंगाई पिछली हुकूमतों ने की थी। 4 साल बहुत होते हैं भाइयों मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए, और मुल्क को तनज़ली के रास्ते पे डालने के लिए एक इमरान खान ही काफी होता है। इमरान खान से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें आलमी ताकतों ने कहा था कि 22 करोड़ के इस मुल्क को तुम जादू टोने से चलाओ। इमरान के दौर में या 22 करोड़ का मुल्क जादू टोने से चलता है, या फरा लाहौर में जो फरा रहती है जिसके ताने बाने बनी गाला के घर से मिलते हैं, इस मुल्क को या जादू टोने से चलाया जाता है या फरा को रिश्वत देकर चलाया जाता है। इस मुल्क में तकर्रियां और तबादले या जादू टोने और हिसाब किताब से किया जाते हैं या